रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एक गिफ एनिमेशन बनाई थी, और आप गिफ ऐड कर सकते हैं या कोई भी आप इमेज या पीएनजी या जेपीजी फाइल या म्यूज़िक और वीडियो फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं फॉर एनएफटी। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि हम किस तरह से लिस्ट करेंगे अपने आइटम को ऑन एनएफटी। अगर आपने लिस्टिंग करनी है ऑन एनएफटी स्टोर, तो डेफिनेटली आपको एक वॉलेट चाहिए होगा, यानी किसी भी कॉइन का, फॉर एग्जांपल इथीरियम कॉइन का वॉलेट आपके पास होना चाहिए, या अगर आपका बिनांस अकाउंट है तो उससे भी आप जो है वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इन दिस केस वी आर यूजिंग मेटा मास्क। मेटा मास्क भी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप परचेज कर सकते हैं डिफरेंट करेंसीज, और उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें मेटा मास्क पे, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द मेन पेज। और अगर हम लर्न मोर पे जाएं, तो यू कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स, और आप इसको लर्न कर सकते हैं। हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एंड डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको ये तीन ऑप्शन देता है, एंड्रॉयड, आईओएस एंड क्रोम। हम जो हैं वो क्रोम पे हैं, सो वी विल जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल मेटा मास्क टू क्रोम। और ये एक वेब स्टोर, गूगल क्रोम वेब स्टोर पे चला जाएगा, और यहाँ से हम इस एक्सटेंशन को जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हो रही है, एंड ये इंस्टॉल हो जाएगी इनटू आवर ब्राउज़र। एंड देन फिर हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक्सटेंशन जहाँ पे ऐड हो चुकी है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो ये एक और पेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। सो यूज़ दिस, हाँ ये पेज ओपन हो गया, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो नाउ यू कैन सी के वेलकम टू मेटा मास्क, और अब हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बना हुआ अकाउंट, तो यू कैन गो टू क्लिक ऑन इम्पोर्ट वॉलेट। अगर आपने नया वॉलेट क्रिएट करना है, तो वी कैन क्लिक ऑन क्लिक वॉलेट। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिस्क्रिप्शन मिलेगी, हेल्प अस टू इम्प्रूव मेटा मास्क एट्सेट्रा। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, और फिर हम वन आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड मांगता है कि आप क्या पासवर्ड देना चाहते हैं। आप कोई भी पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पासवर्ड को आपने हर सूरत में याद रखना है। ओके, एंड देन वी कैन क्लिक हेयर, आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स, और फिर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो मेटा मास्क का न्यू स्टेप हमारे पास आ जाएगा होपफुली। और इसके अंदर आप ये वीडियो देख सकते हैं कि आप MetaMask is a new अपनी way to connect to sites and applications. सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं अपने वैलेट को। सो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज वी कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीक्रेट रिकवरी फ्रेज हमें एक मिल जाती है, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमें कुछ वर्ड्स की एक सीक्रेट रिकवरी फ्रेज मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी कर लें, किसी जगह भी इसको आप जो है वो पेस्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक मैंने फाइल बनाई है, और उसके अंदर मैंने इसको पेस्ट किया है। सो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, क्योंकि ये हमें बाद में भी काम आ सकती है मे बी, तो इसलिए हम इसको जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड नाउ वी हैव दिस सेव्ड। नाउ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये फ्रेज़ के ही वर्ड्स बने हुए हैं, और हम देखेंगे कि हमारे फ्रेज़ में सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है, और उसके मुताबिक हम इस पर क्लिक करते जाएंगे। तो सबसे पहले है जी हमारे पास क्वार्टर, तो यहाँ पे आते हैं, एंड एक्चुअली आई विल जस्ट मेक इट स्मॉल, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा मैंने एक्चुअली ब्राउज़र थोड़ा सा मैंने साइज़ इसका डिफरेंट किया हुआ है, तो इस तरीके से मूव कर लेते हैं।
एंड देन यहाँ पे सबसे पहला फ्रेज है क्वार्टर, और हम क्वार्टर पे क्लिक करेंगे। देन वी हैव मोटर, देन वी हैव मिक्सचर, उसके बाद है वायबल, उसके बाद क्या है जी ऑर्कर्ड, उसके बाद क्या चीज़ है जी कैंसल, उसके बाद है हमारे पास, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिस्कल एंड देन नंबर एंड देन बॉडी। सो फिस्कल नंबर बॉडी, और उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है ओन कैसीनो विक्ट्री, तो हम कर देते हैं ओन कैसीनो विक्ट्री। तो दैट्स इट, अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं एंड वी कैन क्लिक ऑन कन्फर्म, और हमारा वॉलेट जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे टिप्स हैं जो कि आप सेव कर सकते हैं, सेव बैकअप इन मल्टीपल प्लेसेस एट्सेट्रा, नेवर शेयर द फ्रेज विद एनी वन, तो ये कुछ आपके पास मालूमात हैं। सो वी कैन जस्ट क्लिक ऑन ऑल डन, और ये हमारे पास आ जाता है वी आर मेकिंग ट्रांजेक्शन ईजियर टू रीड एट्सेट्रा। तो हम इसको इसी तरह से अभी रहने देते हैं, और अब हम ओपन सी डॉट आई ओ ओपन कर लेते हैं। ओपन सी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप NFTs जो हैं वो सेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अभी हम NFTs को यहाँ पे जो है वो सेल करने जा रहे हैं। सो जब आपका MetaMask अकाउंट बन जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 Ethereum कॉइन्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। यू कैन बाय दी Ethereum कॉइन्स, यू कैन आल्सो सेंड Ethereum कॉइन्स, और आप यहाँ पे मल्टीपल कॉइन्स भी ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ विल बी दी सम अनदर वीडियो जहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊँगा। और ओपन सी पे जब आप आते हैं फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे अब हमने अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए मेटा मास्क। तो अगर हम मेटा मास्क पे क्लिक करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली विथ ओपन सी, तो दैट इज़ नीडिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्ट विद मेटा मास्क, ये हमारा अकाउंट आ रहा है। वी कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन वी कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन, और ये कनेक्टिंग हो रहा है एंड एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। यहाँ पे भी आप ऐड फंड्स कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें फंड्स। अभी के लिए हम फंड्स जो है वो क्रिएट नहीं करना चाह रहे, और इसके बाद आप प्रोफाइल पे जा सकते हैं और आप अपनी प्रोफाइल की चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड योर ओन बैनर अगर आप ऐड करना चाहें, आल्सो आप अपनी इमेज अगर ऐड करना चाहें तो अपनी इमेज भी लगा सकते हैं, या कोई लोगो वगैरह अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आई थिंक मेरे पास कोई लोगो वगैरह अगर हो तो मैं उसको ऐड करता, लेकिन ओके कर लेते हैं। इंसान का लोगो जो है वो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, सो दैट इट विल बी गुड। और ये है जी क्रॉप्ड, पता नहीं किधर आया होगा, सो यहाँ पे नहीं आया और मैंने देखा भी नहीं है, तो ये आ गया जी डाउनलोड्स में। ओके तो ये इस तरीके से हम लोगो वगैरह लगा लेंगे। जहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन देता है तो साइन कर लें, ये खुद बहुत साइन इन हो जाएगा एंड देन योर लोगो विल बी अपडेटेड होपफुली। कभी कभार थोड़ा टाइम लेता है, और अगर टाइम ले तो नो प्रॉब्लम, यू कैन ट्राई इट अगेन। और ये अब आप देख सकते हैं लोगो आपका आ चुका है। यू कैन आल्सो एडिट दी मेन पिक्चर अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड देन यू कैन सी वी हैव दिस लिस्ट वेयर वी डोंट हैव एनी आइटम, और कुछ भी नहीं है। अननेम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू यूज़र नेम, और यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम ऐड कर सकते हैं। आई विल जस्ट ऐड इन सन, स्माल में ही लिखते हैं, एंड टेल द वर्ड योर स्टोरी। यहाँ पे 14 years experience
experienced developer कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे आप email account अपना दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। तो आई थिंक के info.insert दे देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप लिंक्स वगैरह दे सकते हैं, अगर आपकी साइट है तो वो भी दे सकते हैं। और ये आपका वॉलेट एड्रेस है, ओके। तो इसको भी हम कॉपी करके फॉर टाइम जो है वो हम सेव कर लेते हैं। कहाँ पे चली गई है वो? अच्छा, हमने सॉरी यहाँ पे ले गए थे, तो इसको दोबारा से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और ये हमारा वॉलेट आईडी है, जो कि हमें कभी कभार काम आ सकता है फॉर फ्यूचर, तो इसलिए हम इसको भी सेव कर लेते हैं। एंड जस्ट कॉपी इट और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी कैन जस्ट क्लिक ऑन सेव, और हमारा नाम वगैरह जो है वो सेव हो जाएगा। वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो ओके ईमेल पे अभी हमारे पास एक ईमेल आएगी, उसको क्लिक करना है और वेरीफाई कर देना है। ओके, सो नाउ वी आर वेरीफाइड, योर ईमेल इज़ वेरीफाइड। और अब हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन क्रिएट NFT। तो यहाँ से ही क्लिक कर लेते हैं। पे आप देख सकते हैं वी कैन अपलोड ऑडियो वीडियो 3D मॉडल आर इमेज। और यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, आप JPG, PNG, KF, SVG, MP4 डिफरेंट फॉर्मेट्स अप टू 100 MB अपलोड कर सकते हैं। सो वी विल क्लिक हेयर, और हमने जो GIF बनाई थी, आई थिंक दिस इज दैट GIF फॉर GIF.GIF, सो लेट्स एड इट। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी GIF इमेज जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। आइटम नेम वी कैन से एन पाकिस्तानी कैरेक्टर GIF, एंड देन यू कैन आल्सो ऐड सम एक्सटर्नल लिंक, अगर आप इस आइटम का कोई एक्सटर्नल लिंक देना चाहते हैं। अगर इसकी कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं डिटेल, तो यहाँ पे दे सकते हैं GIF क्रिएटेड फॉर लर्निंग पर्पस। और उसके बाद कलेक्शन के अंदर आप डिफरेंट कलेक्शंस ऐड कर सकते हैं। और कलेक्शंस क्या होती हैं कि आप एक मसलन आइटम है और उसके साथ मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल आपके पास गिफ्ट्स हैं या इमेजेस हैं, तो उन सब को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट ए कलेक्शन। उसके बाद आप अनलॉकेबल कंटेंट, इंक्लूड अनलॉकेबल कंटेंट दैट कैन ओनली रिवील, इसको इसी तरह से रखेंगे, वी डोंट आर यूजिंग एक्सप्लिसिट और सेंसिटिव कंटेंट। और उसके बाद सप्लाई है, अगर आप एक आइटम बेचना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट वन, और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉकचेन के अंदर आपके पास इथेरियम का ऑप्शन मौजूद है, अगर आप एथीरियम रखेंगे तो ये आपसे डॉलर चार्ज करेगा, एथीरियम कॉइन्स चार्ज करेगा, और वो हंड्रेड ऑफ डॉलर्स तकरीबन होंगे। और अगर आप जहाँ पे क्लिक करते हैं और आपके पास एक और ऑप्शन है विच इज़ पॉलीगॉन, तो इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप फ्री में अपनी लिस्टिंग कर पाएंगे। सो लेट्स क्रिएट, और यू कैन सी के आलमोस्ट डन, आई एम नॉट ए रोबोट, स्टेयर्स और कितने हैं, ये भी हैं मेरे ख्याल से, और दैट्स इट, वेरीफाई। तो ये आपने पूरा तरीका जो है वो देख लिया कि किस तरह से आप NFTs को लिस्ट कर सकते हैं ऑन योर ओपन C.io स्टोर, और क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, एनिमेशंस वगैरह बना सकते हैं, तो आपको, या फिर आप सिंपल पेंटर हैं या कोई भी हैं, तो अपने आर्ट को आप डिजिटल सेल कर सकते हैं इस तरीके से। तो इट विल टेक सम टाइम,
आई विल रिज्यूम द वीडियो. ओके सो नाउ यू कैन सी के हमारा जो गिफ है वो क्रिएट हो चुकी है. यू क्रिएटेड योर पाकिस्तानी करेक्टर गिफ. ओके और यहाँ पे ये मैसेज आ चुका है. आप इसको शेयर भी कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप करना चाहें. एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस. और हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं. और उसके बाद ये आपको बताएगा कि एथेरियम कॉइन्स जो हैं वो कितने आपको चाहिए. तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.02 मे बी. और 0.02 आप देख सकते हैं कि 51.60 डॉलर्स हैं. तो मेरे ख्याल से 0.01 रखते हैं विच विल बी इक्वल टू 2.58 क्योंकि ये सिंपल सी गिफ इमेज है और इसकी प्राइस ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है. अलबत्ता यहाँ पे आपको ये एरर आ रहा है लिस्टिंग प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 5 USD डॉलर्स. तो डेफिनेटली अगर हम इसको 5 कर लें तो या 0.003 करते हैं विच इज़ 7.74 विच इज़ गुड. इसके बाद आपके पास ड्यूरेशन आ जाती है. आप 7 डेज़ के लिए लिस्टिंग कर सकते हैं. आप 30 डेज़ के लिए भी लिस्टिंग कर सकते हैं. 3 मंथ्स के लिए भी 6 मंथ्स के लिए भी इट्स अप टू यू. उसके बाद आपके पास फीस है और ये आपको बता रहा है कि आपकी जो सर्विस फ़ी होगी अगर ये सेल होती है तो ये 2.5% आपकी सर्विस सेल इस पे चार्ज होगी जो कि आपकी प्राइस है एथेरियम कॉइन की. सो दैट्स इट. और इसको यही आपका आपकी लिस्टिंग है. इसको हम आप कंप्लीट कर देते हैं लिस्टिंग को. एंड आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस टाइप ऑफ कंप्लीट योर लिस्टिंग फॉर्म. और इसके अंदर हम अनलॉक पे क्लिक करेंगे और ये दोबारा से आपको कहेगा कि आप साइन इन हो जाएं. और ये आपको सिग्नेचर रिक्वेस्ट दे रहा है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिग्नेचर्स क्या होते हैं फॉर NFTs और वो किस तरीके से ऐड किए जाते हैं. तो ये हमारा सिग्नेचर एक जनरेट हो जाएगा. सो यू विल जस्ट क्लिक ऑन साइन इन और देर वॉज एन एरर विद द ट्रांजेक्शन. तो ये आपको कई दफ़ा ऐसे ये बार बार करना पड़ता है अनलॉक. और उसके बाद ये होपफुली हो भी जाता है. अभी भी दोबारा से आया तो ये हम कुछ टाइम कुछ दफ़ा करेंगे. कई दफ़ा 3 दफ़ा में हो जाता है, कई दफ़ा 5 में, कई दफ़ा 10 में भी ले जाता है. तो ये आप करेंगे. अभी मैं करता हूँ और उसके बाद रिज्यूम करते हैं वीडियो. ओके सो नाउ ये हो चुका है स्टेप. ये मेरे ख्याल से मुझे 7-8 दफ़ा करना पड़ा है. उसके बाद है अनलॉक करेंसी, सबमिट ए ट्रांजेक्शन विद योर वॉलेट टू ट्रेड द करेंसी. एंड आप अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली अब हमें इसके साथ भी साइन करना पड़ेगा. एंड लेट्स सी. और ये मेरे ख्याल से जल्दी शायद हो जाए. हाँ ये जल्दी हो गया. और उसके बाद एक दफ़ा फिर हम साइन करेंगे यूजिंग योर वॉलेट टू कंटिन्यू. सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव ओरिजन मैसेज. और इसको दोबारा से साइन करते हैं एंड दैट्स इट. योर NFT इज लिस्टेड. ओके और अगर हम इस पर क्लिक करें और ये हमारी लिस्ट हो गई है. वी कैन जस्ट गो टू क्लोज दिस. और ये है जी हमारी लिस्टेड NFT. ओके आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड और इट्स अप टू यू. और जिस तरह से ये आप देख सकते हैं. ओके और इसको आप शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एट्सेट्रा. लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर. तो ये पूरा प्रोसेस था किसी भी NFT को क्रिएट करने का. एंड देन उसको डेफिनेटली उसको आप किस तरह से लिस्ट करते हैं ओपन सी स्टोर पे. तो ये सारा प्रोसेस हमने सीख लिया. होपफुली यू विल क्रिएट नाइस NFTs. ये तो बिल्कुल एक हमने सीखने के लिए एक NFT क्रिएट की है गिफ इमेज. तो आप अच्छी सी NFT क्रिएट कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं ऑन ओपन सी स्टोर. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद आगे चलेंगे और मज़ीद सीखेंगे अबाउट NFTs.